नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश, आपका स्वागत करता हूं YouTube चैनल LIC Insure में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे LIC ने कोरोना क्वेश्चनेयर फॉर्म्स में वापस से चेंजेस किया है। अगर देखें तो इस बार LIC ने रिवाइज्ड वर्जन 6 वापस से पेश किया हुआ है। कोरोना क्वेश्चनेयर फॉर्म्स तभी फिलअप किए जाते हैं जब आप न्यू प्रपोजल कर रहे हैं या फिर नई पॉलिसी ले रहे हैं या फिर आप पॉलिसी को रिवाइव कर रहे हैं, तो कोरोना क्वेश्चनेयर फॉर्म्स भी फिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसका आपको जवाब देना है, हाँ या ना में। अगर कोई चीजें यस हैं तो उसका डिटेल भी आपको देना होगा। तो चलिए देखते हैं वो क्या है क्वेश्चंस, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट पे। तो दोस्तों जैसे कि हम आ गए हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एनेक्सर 1, जिसमें नोवेल क्वेश्चनेयर कोविड-19 क्वेश्चनेयर रिवाइज्ड वर्जन 6 लिखा हुआ है। अभी यहां पर अगर चाहे व्यक्ति किसी के नाम पे पॉलिसी ले रहा है या फिर वो प्रपोजर है, तो यहां पर जिसके नाम पे पॉलिसी ले रहा है उसका नाम यहां पर फिल करना है। अब रही बात प्रपोजल नंबर की, तो वो LIC द्वारा फिल किया जाएगा। दोस्तों अगर पहले क्वेश्चंस की बात करें तो LIC उसमें कह रही है कि क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रहे हैं 14 दिन तक जिसको कोविड-19 हुआ था। तो अगर हुआ था तो यस लिखिए, नहीं रहे हैं तो नो लिखिए। सेकंड क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे LIC कह रही है कि या तो आप लोकल अथॉरिटी डॉक्टर्स के पास से या फिर किसी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास से, या फिर अगर आपने ट्रेवल किया है बाय एयरपोर्ट, तो उसके हिसाब से अगर आप 14 दिन तक कोविड-19 की वजह से क्वारंटाइन रहे हैं, किस लोकेशन पे रहे हैं उसकी डिटेल आपको यहां पर देना होगा, और कौन से पीरियड से कौन से डेट से लेके कब तक वहां पर रहे हैं तो उसके बारे में आपको यहां पर बताना होगा। अगर नहीं है तो नो लिखिए। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि क्या आपने किसी डायग्नोसिस में जाकर कोविड-19 का टेस्ट कराया है विदिन 14 डेज में, या तो फिर अगर टेस्ट कराया है तो उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो उसके बारे में आपको यस और नो में जवाब देना है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर LIC कहती है कि आप किसी सिम्टम्स लाइक फीवर हो गया, कफ हो गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर मलेरिया फ्लू, मतलब जैसे गैस्ट्रो रीजन, जैसे वोमिटिंग, मसल पेन, हेडेक, 14 दिन के भीतर अगर कुछ हो रहा हो तो उसके बारे में यस और नो में आपको जवाब देना होगा। यस होता है तो आपको पूरा डिटेल देना होगा। पांचवे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। इज अ लाइफ टू बी एश्योर्ड हेल्थ केयर वर्कर, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं तो यस में जवाब दीजिए, नहीं है तो नो लिखिए। इसी तरह आप किसी सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर नेचर ऑफ ड्यूटी से बिलोंग करते हैं तो यस और नो में आपको जवाब देना है। फिर उसके बाद अगर आप कोरोना वॉरियर हैं या फिर वर्किंग इन हॉस्पिटल हैं, किसी क्लिनिक में काम करते हैं तो, या फिर किसी वार्ड में काम करते हैं तो उसके बारे में आपको यस और नो में जवाब देना होगा। अगर आप किसी सिम्टम से पीड़ित हैं, जैसे 0.4 में आपसे सवाल पूछा गया था, तो उसका जवाब भी आपको यहाँ पर देना होगा यस और नो में। अगर आपने कोविड-19 का टेस्ट कराया है, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर हो या इंक्लूड्स डॉक्टर हो या फिर जनरल प्रैक्टिशनर हो, हॉस्पिटल डॉक्टर्स हो, सर्जन हो, थेरेपिस्ट हो, नर्सेस हो, पैथोलॉजिस्ट हो, मतलब कोई भी है जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता है, उसका जॉब यहाँ पर यस और नो में देना होगा। छठवें पॉइंट की बात करें तो छठवें पॉइंट में LIC पूछ रही है कि क्या आप इससे पहले भी कोविड-19 का टेस्ट कराए हैं, तो उसका जवाब आपको देना होगा। कब कराए, डेट ऑफ डायग्नोसिस, किस हॉस्पिटल के कहने पर आपने करवाया था और कहां पर एडमिट थे, उसके बारे में आपको जवाब बताना होगा। फिर आपका डिस्चार्ज डेट क्या है, किस डेट पर डिस्चार्ज हुए हैं। फिर अगर आपके पास कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है तो आपको कोविड-19 रिपोर्ट्स भी यहां पर अटैच करना होगा। पांचवें पॉइंट की बात करो, अगर आप NRI हैं या फिर FNI हो या फिर OCI से बिलोंग करते हैं तो किस कंट्री से है वहां का आपको डिटेल देना होगा। अगर आप इंडिया में है तो आपको भी यहाँ पर उसका डिटेल देना होगा यस और नो में। अगर है तो कब से यहाँ पर है उसके बारे में बताना होगा। 8वें पॉइंट की बात करें तो 8वें पॉइंट में पूछा गया है कि क्या आप पिछले 14 दिनों में इंडिया से बाहर ट्रैवल किए हैं, अगर ट्रैवल किए हैं तो किस कंट्री में गए हैं, कब आप वहां से रिटर्न इंडिया आए हैं, कितने दिन आप वहां पर रहे हैं, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर बताना है।
नवे पॉइंट में पूछा गया है कि क्या आप किसी फॉरेन कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हैं आने वाले 3 मंथ के अंदर, अगर कर रहे हैं तो किस कंट्री में जा रहे हैं और कब जा रहे हैं और कब तक वहां पर रहेंगे, कितना दिन आप वहां रहेंगे, उसके बारे में यहां पर आपको बताना होगा। जैसे कि अगर इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन छूट गई है तो 10वें पॉइंट में भी आप वहां पर उसका डिटेल डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक डिक्लेरेशन करना होगा जिसमें प्रपोजर या फिर लाइफ टू बी जिसके नाम पे पॉलिसी ली जा रही है उसका सिग्नेचर रहेगा और किस स्थान से है और क्या डेट है वो साइन कर रहा है उसको यहाँ पर देना होगा। तो दोस्तों ये है कोरोना वायरस का वर्जन 6 फॉर्म, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करने ना बोले जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.lsinsure.in पर विजिट कर सकते हैं, साथ में अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं lsinsure1@gmail.com पर। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सवाल का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।